वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन एंड अभी बज रहे हैं 7:15। अपना निकलने का प्लान था 4:30-5 बजे, बट यू नो जब यू नो परसों निकला था लेह से अर्ली मॉर्निंग 5 एंड देन फिर बाद में मैंने कल जाके कहीं शाम को 5:30 बजे गाड़ी रोकी। 36 आवर्स आई वॉज कंटिन्यूसली ड्राइविंग, तो काफ़ी टायर्ड हो गया था मैं। आई मीन आई कुड स्ट्रेच, बट मैं बोला कि चलो ठीक है, एक बॉडी को रेस्ट दे देते हैं। ऑफकोर्स मुझे जब भी घर जाना था तो एकदम टायर्ड होके नहीं, एकदम हिट जाना था, तो थोड़ा कि मतलब हाँ ट्रिप इन्जॉय करके गए। सो अभी अपना डिस्टेंस है 1300 या 1200 समथिंग एंड राइट नाउ आई मीन राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के पास में। तो अभी अपन आज रुकने वाले नहीं है, आज मतलब डायरेक्ट ये स्ट्रेच 1200 to 1300 का स्ट्रेच है वो अपन डायरेक्ट करने वाले हैं। तो अभी तो चलो गणपति बप्पा मोरिया एंड हर हर महादेव। सो चलो अभी अपन ने कर दी है जर्नी चालू एंड यस ऑफकोर्स अभी अपन यहाँ से पहले 217, तो मतलब पहले पेट्रोल भर लेते हैं एंड भाई साहब पहले एसी चालू कर लेते हैं क्योंकि गर्म गर्म बहुत हो रखा है यहाँ पे। अभी फिलहाल है अपन राजस्थान में एंड यहाँ पे इंटरनेट सेवा रद्द कर दी गई है, दैट मीन्स इंटरनेट जो है तो वो नहीं चल रहा है कौन सा भी कार्ड का। इवन मेरा पोस्टपेड है बट फिर भी इट्स नॉट वर्किंग। तो ये अपने को आया हुआ मैसेज, सरकार के निर्देशानुसार आपके क्षेत्र में इंटरनेट की अगली सूचना आने तक बंद कर दी गई है। और ये देखो ये है कैसे राजस्थान के ट्रक्स का हालत, भाई सच बोल रहा हूँ राजस्थान के ट्रक्स वाले इतने गंदे रैश ड्राइविंग करते हैं ना। आई मीन ये लेन में जा रहे और फटक से इधर डाल देंगे, इंडिकेटर तो है ही नहीं उनके पास। और ऐसे राजस्थान में नेटवर्क इसके लिए नहीं है बिकॉज कल परसों अगर आप लोगों को पता रहेगा कुछ यहाँ पे सीन हो गया था मर्डर टाइप, तो उसकी वजह से वो चीज़ नहीं है। बट देसी जुगाड़ और ये इंडिया के बाहर नहीं जाना चाहिए, सो प्लीज कीप सेफ दिस जुगाड़। केम छो गुजरात के लोगो, तो फाइनली अभी मैं हूँ गुजरात में, आई मीन जस्ट एंटर्ड गुजरात। एक गुजरात क्रॉस के अपने से हो गई एक गलती, गलती क्या हुई कि एक्चुअली वो तो सेफ साइड ही अपन ने किया कि अपना राजस्थान में पेट्रोल ऑलमोस्ट खत्म होने को आया था एंड वहां से बॉर्डर मतलब गुजरात का बॉर्डर थोड़ा ही दूर था, बट अपने को वो चीज़ पता नहीं थी। तो इसके लिए अपन ने क्या किया कि राजस्थान में टंकी फुल किया। अभी टंकी फुल किया तो राजस्थान का रेट था 110 रुपया एंड वहाँ से तकरीबन 20 या 25 मिनट के बाद ही राजस्थान का बॉर्डर ख़त्म होके गुजरात आया एंड वहाँ से 2 किलोमीटर बाद ही पेट्रोल पम्प था जिसका गुजरात में रेट चालू है 97 रुपीज़। हेलो एवरीवन एंड अभी बज रहे हैं 1:50 एंड अभी अपन है सूरत से तकरीबन एक 70 to 80 किलोमीटर दूर एंड लुक एट दिस, यहाँ पे हो गया है मौसम बड़ा ही मज़ेदार, बारिश हो गई है चालू और अपन अभी कर रहे हैं नाइट ड्राइव जो कि थर्टी होने को है एंड अभी अपन कर रहे हैं गुजरात क्रॉस। सो गुजरात में है मॉनसून, बहुत ही भयानक बारिश रात से जो गिर रही है कंटिन्यूएशन में, तो अपन रुक गए एंड बारिश की वजह से आई एम ड्राइविंग स्लो। सो सामने वाला ट्रक इतना मजबूत पानी उड़ा रहा है एंड ये बस वाले अभी भी वैसे ही फ्लो में ड्राइव कर रहे हैं, तो इनको उतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है, बट अपने को फर्क पड़ता है क्योंकि भाई अपनी जान अपने हाथ पे है। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, वो दौर आ गया है जहां पे अपन गुजरात क्रॉस करके महाराष्ट्र में एंटर करने वाले हैं, महाराष्ट्र चेक पोस्ट अहेड। सो फाइनली कैसा लग रहा है आपको दैट आई एम बैक टू द महाराष्ट्र एंड यस ऑफकोर्स इट्स अ रियली नाइस, आई मीन अगर मेरी बात करो तो मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ले के बाद मुझे एक ये रबर है जाने दो रंबलिंग बोलते इसको, तो ये जो ले के बाद अपना जो नेक्स्ट स्टेप था वो था महाराष्ट्र चेक पोस्ट, जिसको देख के अपनी खुशी इतनी हो गई।
स्पेशली अभी बारिश का मौसम है ना, मेरे को एक ही चीज याद आ रही है, महाराष्ट्र की गर्मा गर्म ताजेदार वड़ा पाव। एंड वेलकम टू महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मध्ये आपला स्वागत है, हार्दिक हार्दिक स्वागत करीता है। महाराष्ट्र में मेरा एंड वुल्फ का स्वागत है। द वेरी नोन प्लेस इज अहूरा। तो अभी यहाँ पे करते हैं अभी अपन ब्रेकफास्ट। एंड हेलो एवरीवन। तो अभी अपन है भिवंडी से पहले, बस कुछ ही पलों का इंतजार। एंड ये देखो, आई मीन मुंबई आया नहीं और ग्रीनरी चालू हो गई हर जगह। यार यही तो मैं चाह रहा था कि मुंबई में, आई मीन जैसी मैं एंटर करूँ वैसी मुझे ये पहाड़ और ये खूबसूरती देखने मिले। जो ये हसी वादियाँ मुंबई की आबादियाँ, आ गए हम कहाँ लो हमारे जहाँ, इस जहाँ में है अपना एक छोटा सा घर, जहाँ है अपने दोस्तों का मिलन। मुझे ये पता नहीं था कि अपनी नेक्सॉन भाई पानी में भी तैर पाती है। सॉरी, अपने पानी का फ्लो इतना था। ये देखो अपनी नेक्सॉन पानी में चल रही है। वन ऑफ द ग्रेट न्यूज दैट टाटा के लिए कि टाटा की गाड़ियां अभी आज पानी में भी चल सकती है। तो जितना आईपीएल में छक्के लगने के बाद तालियां बजती है उससे कई ज्यादा आवाज इस बारिश की है। और ये बारिश की आवाज स्पेशली डोंबिवली में सुनने के लिए मेरे जो कान है, कान के पर्दे है, वो जिस तरह से तरस रहते हैं फाइनली। तो अभी देखो, अभी कुछ ज्यादा ही अच्छे जोश में बोल दिया, बिकॉज यू नो इतनी अच्छी बारिश है तो किसको पसंद नहीं रहेगी। एंड स्पेशली वो भी जब आप कार के अंदर हो। अभी ये देखो, अभी ये जो बाइक वाले हैं, अगर आप उधर रहते थे तो आप इरिटेट हो जाते थे। यही सेम यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपना सामान पीछे पूरा कैसे पसरा हुआ है। एंड भाई यहाँ पे तो अलग ही मजा है सनरूफ का। तो स्वर्गीय विजय दादा वंडार पाटिल प्रवेश द्वार, बींग अ फादर जो आपकी स्ट्रगल होती है, सो दैट इज वेरी अनसीन हिडन। अभी अगर आप देखोगे तो भाई मतलब जो फादर है उन्होंने कुछ भी नहीं पहना है, लेकिन जो बच्चा है आगे, आई विल शो यू। ये देखो जो बच्चा है तो उसको कैसे रेनकोट पहनाया हुआ है। एंड यहाँ पे आई मीन क्या ही व्यू है। हाँ ये था कि बचपन में मेरे डैड के पास स्कूटी नहीं था, मेरे डैड के पास साइकिल था। तो ही यूज टू ड्रॉप अस बोथ ऑफ, मतलब मैं और मेरे भाई को, दोनों को साइकिल में ड्रॉप करते थे। एंड दैट वाज अ वेरी मेमोरेबल डे। एवरी डे जो जिस तरह से डैड हमको ड्रॉप करते थे, तो एंड मैं आगे बैठता था, मेरा भाई पीछे बैठता था। जस्ट इमेजिन कि क्या ही, वो मेरे को बिल्लू बार्बर की याद आ जाती है। देखो एंड फाइनली अपन अपने मेन गेट पे। कितना दिन हुआ रे तेरे को देखे, अब तेरे को देखा तो ऐसा लगता है सुकून सा आ गया है। तो कि यू नो मैं घूमना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ एंड ये वो, लेकिन उसमें क्या हो जाता है कि आपको एक टाइम तो आता ही है जब आप अपने घर को मिस करते हो। एंड दिस इज दैट वॉज द मोमेंट व्हेन आई वॉज इन ले। एंड जब ही ले से निकला तो आई स्टार्टेड मिसिंग माई होम। जितना जल्दी हो सके उतना अपन ने पॉसिबिलिटीज में एज सुन एज पॉसिबल अपन जल्दी पहुंच गए। जब ही अपन ने ले से निकला था तभी मैंने 36 आवर्स का ड्राइव किया था। एंड तभी अपन ने ले टू राजस्थान डायरेक्ट मारा था। एंड उसके बाद राजस्थान में हॉल्ट लेके नेक्स्ट डे आई लेफ्ट, एंड देन फिर राजस्थान टू अभी अपन ने घर डायरेक्ट हॉल्ट मारा हुआ है। सो ये और ये देखो, ये व्यू देख के मेरे को एक ही गाना याद आता है, जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है, लो आ गया मैं मेरे घर, अब किस बात की देरी है। तो चलिए अभी अपन करते हैं इसका मुआयना। मुआयना मतलब ये हो गया कि अभी अपन ने ट्रिप ए पे है, एक्चुअली इसका अभी टोटल हो गया 11,522 किलोमीटर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन वुल्फ कि यू हैव डन 11,522 किलोमीटर जस्ट इन
स्टार्ट फ्रॉम फेब फेब मार्च अप्रैल मई जून ओके जून सो इन 5 मंथ्स शी हैज़ डन 11,522 किलोमीटर्स एंड अभी बाहर टेम्परेचर तो 26 है इट्स ओके एंड अभी अपने को एवरेज ट्रिप ए का एवरेज अपने को टोटल मिला है 4,193.1 किलोमीटर पे 16.8 का एवरेज विच इज नॉट बैड एट ऑल एब्सोल्युटली इट इज गुड 4,193 दैट मीन्स कि ये ट्रिप है जब भी अपन ने चंडीगढ़ में गाड़ी सर्विसिंग को दी थी एंड उसके बाद ये न्यू होके आई तो वो ट्रिप ए का यूजुअली मतलब उसके बाद ले गए ले के बाद फिर वापस से घर पे आए तो 4,000 के हिसाब से 16.8 का अपने को एवरेज मिला हुआ है सो और उसके बाद उसके पहले जो एवरेज था सो दैट वॉज अराउंड अपना आई गेस 3,000 के आसपास हुआ था 2,500 या 3,000 के आसपास हुआ था तो उसमें एवरेज अपने को आया था 19.8 का बट वो टाइम पे अपना ले हुआ नहीं था तो ले इंक्लूडिंग है सो ले इंक्लूडिंग ले के साथ अगर इतना अच्छा आपका गाड़ी का एवरेज दे रहा है तो उसमें भाई बुराई क्या है सो अभी अपन बजने को आए एक एंड फाइनली अपन पहुंच गए घर पे तो अभी अपन ने यहाँ इसको इधर ही कर दिया है सर्विसिंग के लिए अपन यूजुअली इसको कल या परसों लेके जाएंगे बिकॉज अभी तो फिलहाल काफ़ी थक गए एंड इसी वीडियो को इधर ही करते हैं ख़त्म मिलते हैं अगले राइड पे हैव अ सेफ जर्नी हैव अ गुड जर्नी बाय बाय